उत्तराखंड का मशहूर कस्बा धसने की वजह से इस वक्त देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। जोशीमठ संकट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दखल से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के मामले में याचिकाकर्ता चाहे तो उत्तराखंड हाईकोर्ट जा सकते हैं। इस मामले में स्वामी अवित मुक्तेश्वरानंद ने याचिका लगाई है कि इसमें मांग की गई थी कि केंद्र सरकार से कहा जाए कि वो संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और मरम्मत के काम में मदद करे, साथ ही जोशीमठ में रहने वालों को तुरंत राहत दी जाए। बता दें उत्तराखंड के जोशीमठ में दो और होटल एक दूसरे की तरफ झुक गए। इनका नाम स्नो क्रेस्ट और कॉमेट है। दोनों होटलों के बीच करीब 4 फुट की दूरी थी जो अब कम होकर सिर्फ कुछ इंच रह गई है। इन दोनों होटल की छत एक दूसरे से लगभग टकरा रही है, यानी ये होटल कभी भी एक दूसरे से टकरा सकते हैं। सुरक्षा को देखते हुए इन दोनों होटलों को खाली करा दिया गया है। ये दोनों होटल उस जगह से 100 मीटर दूर है जहां होटल मलारी इन और माउंट व्यू है। इन दोनों होटलों को गिराने की प्रक्रिया रविवार को शुरू हुई है।